तो गाइस देख सकते हैं ये है हमारा फोन। आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारा फोन पे, हम लोग क्या करेंगे इसको, इससे जो है फोन पे पर जो है आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि आप जो है मतलब आधार कार्ड से जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा आधार कार्ड, ठीक है। इससे जो है हम लोग UPI या फिर फोन पे जो है इससे कैसे चालू करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, थोड़ी कमी हो जाएगी, इसमें आपको पूरा कंप्लीट दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने सबसे पहले अपना फोन पे प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लिया है, आप भी इसको जो है डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जो है ये आपके में इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर जाना, जहाँ पर मेरा फोटो लग रहा है आपको जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये बैंक वाला, बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट होने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपके टोटल अकाउंट दिख जाएंगे जितने भी लोगों ने। तो मेरा क्या है, यहाँ पर है न्यू बेड एड अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए मेरा जो बैंक अकाउंट है वो SBI में है, और जो SBI में है तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको जो है डिटेक्ट करेगा, ये देख सकते हैं इसने क्या किया है, ये जो है मतलब यहाँ से इसको जो है मेरा जो बैंक अकाउंट इसने यहाँ से ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख कर रहा है सेटअप UPI पिन, मैं क्या करूँगा यहाँ से सेटअप UPI पिन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, या तो मेरे पास डेबिट कार्ड ATM कार्ड हो या फिर जो है ऊपर आधार कार्ड। तो अभी क्या है मेरे पास, क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है अभी ये जो है आधार कार्ड ही है, इसी से मैं आपको जो है बना के दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोसीड वाले पर जो है क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोसीड वाले पर क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि इंटर 6 डिजिट योर आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के मेरे जो है लास्ट डिजिट है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 27, और यहाँ पर हो जाएगा 85। उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ से जो है प्रोसीड कर देना। यहाँ क्या कह रहा है, अच्छा फर्स्ट डिजिट मांग रहा है ये, ठीक है ना। मैं इंटर फर्स्ट डिजिट मैंने डाल दिए थे लास्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है इसमें, यहाँ पर ये देखिए, तो जो आपके ATM कार्ड के फर्स्ट डिजिट हो वो आपको क्या करना है, यहाँ पर डाल देने। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर जो है पिन ऑटोमेटिक यहाँ पर इसमें आ गया है, और इसने जो है ये कनेक्ट भी जो है इसको कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ये बैंक का जो है OTP बोल रहा है इसमें, मतलब दोबारा आपको इसमें से OTP भेजा है, वो आपको डालना है ये 999 वाला और 826। तो यहाँ पर डालेंगे 999 और 826, ठीक है, इसको डालेंगे। यहाँ पर देखो इसने क्या ले लिया, इसको ग्रीन ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो है 6 डिजिट का यहाँ पर जो है UPI पिन जो है बना लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो अपना एक UPI पिन जो है मैंने सेट कर लिया है। अब उसके बाद ये बोलेगा कन्फर्म आपको UPI पिन जो है दोबारा इसमें सेट करें, उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी इसको मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आ गया कि ऊपर मेरे मैसेज भी आ गया सक्सेसफुल, मेरा वो पिन सेटअप हो गया। मैं ऐसे इसको वापस करूँगा। अब मैं यहाँ पर दोबारा इसमें जाऊँगा और यहाँ से फिर करूँगा SBI पे करूँगा। अब यहाँ पर देखो चेक बैलेंस का ऑप्शन आ गया, मैं जो है इसको यहाँ चेक बैलेंस पे करूँगा। चेक बैलेंस पे करने के बाद जो है मैं अपना UPI पिन यहाँ पर डालूंगा, UPI पिन, ठीक है। UPI पिन डालने के बाद जो है यहाँ पर इसमें क्या है, मेरा बैलेंस जो है यहाँ पर ये चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने अकाउंट का फोन पे से जो है बैलेंस जो है बना सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।